नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड खबरों की। खबर हरिद्वार से है, जहां राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह दो दिवसीय हरिद्वार के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वो हरिद्वार हर की पौड़ी पर मां गंगा की आरती में शिरकत करेंगे, जिसके बाद गुरमीत सिंह दाम कोठी पहुंचकर हरिद्वार के जिलाधिकारी, SSP, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी समेत जनपद के कई अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। जबकि 4 फरवरी को महामहिम राज्यपाल पूर्व सैनिकों के साथ आगामी चुनाव को लेकर बैठक करेंगे। इसके बाद गुरमीत सिंह रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ और स्वयं सहायता समूह के साथ बैठक भी करेंगे। भाजपा के स्टार प्रचारक और पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा टिहरी के प्रताप नगर विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी विजय सिंह पवार के पक्ष में जनसभा करने पहुंचे। इस दौरान विजय बहुगुणा ने लोगों को केंद्र की योजनाओं के बारे में बताते हुए कहा कि देश का भविष्य मोदी के हाथों में सुरक्षित है और मोदी को मजबूत बनाने के लिए कमल के फूल पर 14 फरवरी को मतदान बूथ पर जाकर बटन दबाएं और मोदी को मजबूत करें। साथ ही प्रताप नगर के प्रत्याशी विजय सिंह पवार को विजयी बनाए। उत्तराखंड के भविष्य का चुनाव और हमारा भविष्य केंद्र से मिलकर के और मोदी जी के आशीर्वाद के साथ है। प्रधानमंत्री तो बहुत हुए, लेकिन जो लगाव और जो मदद आज मोदी जी कर रहे हैं उसके हम सब कृतज्ञ हैं। 25,00,000 करोड़ की योजना है उन्होंने हमको दी है। हमारा संगठन बहुत बड़ा है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, पूरा संगठन एक है और चुनाव जीत रहे और प्रचंड बहुमत से सरकार। आज हमारे स्टार प्रचारक, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व सांसद आदरणीय श्री विजय बहुगुणा जी यहाँ पे आए थे। उन्होंने पूरे प्रताप नगरवासियों को संबोधित भी किया और उनसे अनुरोध किया कि सब लोगों से, प्रताप नगरवासियों से निवेदन किया कि केंद्र में भी और राज्य में भी भारत सरकार, वो भाजपा सरकार की गठित करने का गठित करेंगे और हमारे जो हमारी सरकार ने, राज्य सरकार ने जो जो काम किए हैं उनको जनता के रूप में बताया और जिस जो काम हमारे दोबरा चांटीपुर हो, क्या आपका OBC का मामला है, उन्होंने भी बोला कि OBC में भी हमें वो करेंगे। लेकिन प्रताप नगर वासियों से अनुरोध है कि 2022 में जो 10 मार्च को जो रिजल्ट निकलेगा, निश्चित रूप से यहाँ का जो 27% आरक्षण का वो विजय घोषित हो जाएगा, तो तत्काल आपके OBC का लाभ भी वहाँ के लोगों को मिलेगा। विधानसभा के गोवर्धनपुर में बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जहां पर खानपुर विधानसभा हॉट सीट बनती नजर आ रही है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी से चौधरी रविंदर चुनाव मैदान में उतरे हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी के चुनाव कार्यक्रम के उद्घाटन में भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी लगातार खानपुर विधानसभा में अपना जनाधार बढ़ा रही है। इस मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने BSP प्रत्याशी चौधरी रविंद्र सिंह को बाबा साहेब की प्रतिमा भेंट की। देखिए लक्सर से हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। मौजूद हैं खानपुर विधानसभा 32 में रविंद्र पनियाला जी, जो कि BSP से भावी उम्मीदवार हैं। सर, आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में आए हैं? मेरे पास तो बहुत मुद्दे हैं, आप लोग देखते होंगे बहुत से घरों में आज तक बिजली नहीं है इस विधानसभा में। वहाँ बिजली के कनेक्शन करने के लिए उन लोगों के पास पैसा नहीं है, कोई निधि बताते हैं कि हम लोग BPL के लोगों को हम लोग फ्री कनेक्शन दे दिए। आप देखेंगे पीने का पानी सबसे दूषित जल पीने के लिए यहाँ के लोग मजबूर हैं और हेपेटाइटिस A, B और C जैसी बीमारी से गांव के गांव जकड़े हुए हैं। इन लोगों का जब खाने का पीने का पानी भी दूषित है तो क्या विकास है? सड़क नाली खड़े विकास नहीं होते हैं। विकास होता है कि चिकित्सा का केंद्र हो, शिक्षा का केंद्र हो, बच्चों की बेरोजगारी का कहीं ना कहीं आप एजेंडा हो, मान सम्मान के लिए बुजुर्गों का भी कहीं अपने आप में स्थान हो, तो ये सारी चीज़ें सब उसमें होती हैं विकास में। सर, अभी तक आपने जिन जिन गांव में जनसंपर्क किया, आपको कैसा माहौल लग रहा है? माहौल क्या है, ऐसा कोई लगा ही नहीं। एक दो लगा जिनने मेरे से हाथ छुटाया, नहीं तो सारे के सारे खड़े हो जाए, कब के तो तू ही है। तो मैं नहीं मान रहा कि कोई वोट जा रही है। तो ये थे हमारे साथ रविंद्र पनियाला जी, जो कि कह रहे हैं कि जनता का भरपूर सहयोग उन्हें मिल रहा है। बहरहाल देखना ही होगा, जनता जनार्दन होती है कि क्या होता है 14 तारीख को।
देहरादून में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे ही प्रचार प्रसार जोरों पे देखने को मिल रहा है। सहारनपुर के विधानसभा तिपरपुर और डांडीपुर में भाजपा के कार्यकर्ताओं की तरफ से गली गली जाकर जनसंपर्क देखने को मिल रहा है। गली गली में भाजपा के नारे गूंजते दिखाई दे रहे हैं। कार्यकर्ता घर घर जाकर बीजेपी की ओर से कराए गए कार्यों की प्रशंसा कर रहे हैं और साथ ही जनसंवाद करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी की तरफ से डोर टू डोर कैंपेनिंग की जा रही है और जनसंपर्क करा जा रहा है, नारे लगाए जा रहे हैं बीजेपी के। वैसे ही जैसे जैसे चुनाव के नजदीक चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे भी प्रचार तेज होता जा रहा है, कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिल रहा है। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, वो बौखलाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और जो व्यक्ति जन कल्याण योजना जिनके लिए माननीय प्रधानमंत्री योजना ने चलाई है, सभी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ है। यहाँ के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री सहदेव सिंह पुंडीर जी ने इतने विकास कार्य किए हैं, सहसपुर की जनता उन्हें पिछली बार भी 19,600 वोट से जिता चुकी है और इस बार भी अपना पूरा। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री शादाब आलम की चुनावी जमीन को तैयार करने के लिए कैबिनेट मंत्री ने अपने प्रत्याशी के साथ डोर टू डोर जनसंपर्क किया। साथ ही शादाब आलम ने कहा कि हमारी सरकार एक साल में बेरोजगारों को 1,000 नौकरियां देगी और उन्होंने कहा कि 300 यूनिट बिजली फ्री देने के साथ ही जो भी कलियर की समस्याएं हैं उनको भी दूर किया जाएगा। देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा जनसमर्थन है, आप खुद देख सकते हैं। अगर पीरान कलियर विधानसभा में आप किसी भी गांव में जाएंगे तो आज युवाओं की एक ही आवाज़ है कि आम आदमी पार्टी की सरकार आनी चाहिए, आज शादा वाला माना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात है और कहीं ना कहीं हमने एक बेइंतहा जगह बनाई है लोगों के दिल में, क्योंकि युवा हमारे साथ हैं, महिलाएं हमारे साथ हैं, बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे साथ है और क्यों साथ ना हो आप बताइए। जो 10 साल यहाँ पे विधायक रहा है उसने 100 नौकरियां भी नहीं लगवाई, हमने वादा किया है कि एक साल के अंदर 1,000 नौकरियां लगवाएंगे, 5 साल के अंदर 5,000 नौकरियां लगवाएंगे। तो अगर इतना बड़ा वादा हम लोग कर रहे हैं तो उस पर खरे उतरने के लिए हमने सारी प्लानिंग कर रखी है, तो क्यों लोग हमारे साथ ना आए, क्यों युवा साथ ना आए आप बताइए। तो हमने मेहनत की। और एक बात और बोल दूं, जो बीजेपी और कांग्रेस वालों ने अपने प्रत्याशी बनाए हैं, आपने कल की वाइट देखी होगी, जो बीजेपी वाले ने मुनीश सैनी ने सबको ये बताया है गधे तुल्य, तो इतनी भद्दी लैंग्वेज का जो प्रत्याशी इस्तेमाल कर रहा है, जो आदमी छात्रवृत्ति घोटाले में पाया गया है और उस पर अपराध का पूरा ये सिद्ध भी हो गया है, तो ऐसे इंसान को बीजेपी ने यहाँ से। उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण मौसम ने करवट बदल ली है। ज्यादातर इलाकों में बादलों का डेरा है और बारिश की आशंका बनी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र के निर्देशक विक्रम सिंह के अनुसार उत्तराखंड में गुरुवार और शुक्रवार को ज्यादातर इलाकों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। नैनीताल, चंपावत और ऊधम सिंह नगर में तीव्र बौछारें पड़ सकती हैं। इसके अलावा 2,500 मीटर से अधिक की ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात के आसार है। उत्तराखंड में कोरोना से मौत के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में राज्य में कोरोना से 10 मरीजों की मौत हुई है जबकि 2,081 नए मामले मिले हैं। राहत यह है कि राज्य में रिकवरी रेट अब बेहतर है। कोरोना के 3,295 मरीज स्वस्थ हो गए हैं। कोरोना संक्रमण दर 7.56% दर्ज की गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार निजी और सरकारी लैब से 27,529 सैंपल की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इनमें देहरादून में सबसे ज्यादा 761 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। कालाढूंगी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल पंकज भट्ट की ओर से नशे के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत क्षेत्राधिकारी रामनगर बलजीत सिंह भाकुनी के दिशा निर्देश में कार्रवाई की जा रही है। चेकिंग के दौरान एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए छात्र के पास से कुल 120 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। क्षेत्राधिकारी बलजीत सिंह भाकुनी ने बताया कि स्थानीय पुलिस की तरफ से स्मैक के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी के साथ सफलता हासिल करने वाली टीम को पुलिस ने इनाम भी दिया। हमारे द्वारा स्मैक के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है जिसके संबंध में हमारे द्वारा पता रसी सुराग रसी की गई है और स्रोतों से मालूम किया गया और आज हमें मालूम चला है कि कुलदीप नाम के एक व्यक्ति स्मैक लेकर आ रहा है। उस सूचना पर उसको हमारे द्वारा पकड़ा गया जिसके पास से 120
ग्राम स्मैक मिली है और जो करीब 3.5-4 लाख रुपए की कीमत की है। और देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी कहती हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, बढ़ सकती हूं, लेकिन वो कहीं से लड़ नहीं रही हैं। तो इस पर मैं क्या कहूं। बता दें कि आज देहरादून में प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र को जारी किया और जनसभा को उन्होंने संबोधित कर जनता से कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील की। आप भी सुनिए सीएम धामी का ये बयान। प्रियंका जी कहती है मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, बढ़ सकती हूँ, वो कहीं से लड़ तो रही नहीं, अब क्या कहूँ। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सर।